अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस्ड अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने एडवांस्ड अकाउंटिंग का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है जी द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलमान एंड कंपनी। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सलमान एंड कंपनी से लिया गया है, और इस क्वेश्चन के एंड पे अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें ये ट्रायल बैलेंस के बाहर, प्रिपेयर दी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। अब आपने इस क्वेश्चन से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे आप लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ा था, बस फर्क ये पड़ेगा कि कॉलम्स की तादाद बढ़ जाएगी। यहाँ चूँकि अगर आप क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे दो डिपार्टमेंट हैं, रेडियोज़ एंड वॉचेस, तो यहाँ पे रेडियोज़ का एक अलग कॉलम बन जाएगा, वॉचेस का एक अलग कॉलम बन जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने इस अगली शीट पर एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया आपके लिए, सबसे टॉप पे लिखा जी सलमान एंड कंपनी, सेकंड में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, और उसके बाद ये देखें सारा वही फॉर्मेट है, जस्ट इसमें दो नए कॉलम ऐड हो गए हैं, रेडियोज का एंड वॉचेस का, और साथ इसका टोटल भी अवेलेबल है। अब इस डाटे को आपने, इस ट्रायल बैलेंस डाटे को आपने पिक करके इस वाले फॉर्मेट में ड्रॉप करना है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। रूल सारे वही हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था पहले आपने, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए थे और डायरेक्ट इनकम सेल्स वगैरह क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी थी, फिर बैलेंस कर दिया था, तो वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ गया था। बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर आपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बेसिक सारी वही है, इसमें हल्की फुल्की कैलकुलेशन आएगी जब आपने एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है, लेकिन जो मेजर इसका जो इसका मेजर कॉन्सेप्ट है सारा वही है जो आपने फाइनल अकाउंट में सीखा है। तो बीकॉम पार्ट 1 में भी ये चैप्टर था आपके सिलेबस में, और अब बीकॉम पार्ट 2 में भी ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में आ गया है। तो जब जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे आप लोग, ये चैप्टर जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ देखें लिखा जी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016, ये हमारा कैपिटल है, सबको इस बात का पता है कि हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया करते हैं। ड्राइंग जो है ये हम कैपिटल में से माइनस कर दिया करते हैं। स्टॉक 1 अप्रैल 2016 साल के शुरू का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग में डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स जो है हम ट्रेडिंग में क्रेडिट में रिकॉर्ड किया करते हैं, परचेज को ट्रेडिंग में डेबिट में रिकॉर्ड किया करते हैं। सैलरी, पब्लिसिटी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सारे पाँच के पाँच हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बनेंगे। फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, सन्ड्री डेटर्स, 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये चार हमारे, इसमें एक लाइबिलिटी है, तीन हमारे एसेट्स हैं, ये बैलेंस शीट का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेंगे तो यहाँ पे ये आपको इग्नोर करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट है क्रेडिट साइड पे 400, आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बनेंगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया करते हैं। कैश बैलेंस जो है ये बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो यहाँ पे ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब देख लेंगे ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट वही है जो पहले हुआ करता था, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐड हो गए हैं। ट्रायल बैलेंस के बाहर यहाँ लिखा है प्रिपेयर दी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट द फॉलोइंग। हमेशा जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें। कभी कभी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के स्टार्ट में होती है, कभी कभी एंड पे, और कभी कभी इस तरह से मिडिल में, तो ताकि आपका फोकस बन जाएगा कि आपने अब करना क्या है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ मैंने इसका पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो जो जो अकाउंट बैलेंस शीट के हैं यहाँ पर आपको इग्नोर करने पड़ेंगे। नंबर 1 जिसकी एडजस्टमेंट में लिखा जी द स्टॉक As on 31 मार्च 2017 was, रेडियोज का स्टॉक है और वॉचेस का स्टॉक है, हमारा एंडिंग स्टॉक है।
हम इसको रिकॉर्ड किया करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट्स। चूँकि बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो जो बैलेंस शीट का इसका इफेक्ट है हम उसको फिलवकत इग्नोर कर देंगे। इन अमाउंट रुपीज़ 1200 आउट ऑफ सन्डी डेटर्स हैज़ टू बी रिटन ऑफ एज बैड एंड दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज़ टू बी इंक्रीज आफ्टर टू 10% ऑफ द डेट्स आउटस्टैंडिंग। 1200 रुपया जो सन्डी डेटर का है ये हमने राइट ऑफ करना है एज ए बैड डेट्स, ये हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं। और इसके बाद हमने 10% से जो न्यू प्रोविजन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। हम अभी सारा यहाँ पे काम करेंगे वर्किंग के अंदर। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग, सबको इस बात का पता है, ये आपकी प्रैक्टिस भी है, अभी भी प्रैक्टिस की थी आपने चैप्टर 4 में जब बीकॉम पार्ट 1 में थे तब भी प्रैक्टिस की थी आपने एडजस्टमेंट्स की। अगर कोई बच्चे आप में से आईकॉम के हैं तो उनकी तब भी आईकॉम 1 में प्रैक्टिस थी, तो सबको पता है आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं हम इनको यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं। ये बैटरी जो है इसकी लो हो गई है, मैं इसको एक मिनट ज़रा इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। स्टूडेंट्स ये ज़रा लैपटॉप की बैटरी ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी तो उसका एक मैसेज आ गया था, फिर मैंने दोबारा इसको ऑन किया। चलें हम इसको यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 3 में हमने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करने होते हैं, और नंबर 4 हमारे पास प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ये उनकी डेप्रिसिएशन है हमें चार्ज करनी है। रेवेन्यू आइटम्स टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज बिटवीन रेडियोज एंड वॉचेस। रेवेन्यू आइटम्स का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंसेस की आइटम्स। यहाँ जितनी भी आपकी इनकम की आइटम है और एक्सपेंस की आइटम है सारी आपने एलोकेट करनी है 2:1 की रेशियो से। 2 जो है बिल तरतीब रेडियोज के लिए, 1 वॉचेस के लिए, तो 2 और 1 की ये रेशियो बन जाएगी। तो इग्नोर फ्रैक्शन ऑफ अ रूपी इन कैलकुलेशन, इट मीन के पॉइंट्स में जो वैल्यू आएगी तो उसको आपने राउंड कर देना है 1 रुपी तक। ये हमारा क्वेश्चन है और हम अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम अब ये हमारा सलूशन है यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखा करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, और जो सेल हमारे पास है अब देखें यहाँ पे सेल कितनी हमारे पास, ये रेडियोज की सेल है 294,000, यहाँ आ गया हमारे पास 294,000, और जो हमारे पास वॉचेस की सेल है ये 146,000 है, यहाँ पे आ जाएगा 146,000। यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ ये फंक्शन ऐड करने का, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, यहाँ मिल जाएगी आपको टोटल सेल्स। बल्कि मैं चलो ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक हमारे पास बच गया है ये हमेशा मिलेगा आपको एडजस्टमेंट में। तो रेडियोज़ का 30,000 एंड वॉचेस का 24,000, हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 एंड यहाँ पे 24,000, चेक कर लेते हैं दोबारा यहाँ से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, आप कैलकुलेटर से इसे हम सम कर देंगे। अब आ जाएँ आप डेबिट साइड पे, सबसे ऊपर आप लिखा करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ये मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस से, देख लें यहाँ पे 45,000 एंड 21,000, यहाँ पे लिख दिया 45,000 एंड यहाँ पे 21,000 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सम कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे लिखा करते हैं परचेजेस, और जो हमारे पास परचेज हैं ये 2,25,000, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, और यहाँ पे 1,15,000। रिटर्न्स अगर होती हम यहाँ से माइनस कर देते, यहाँ पे रिटर्न अवेलेबल नहीं है। इनके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे हमें इसको टोटल भी करना था, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया 3,40,000। हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, अगर होता हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते। ये जो हमारे पास है इसमें जो हमने यहाँ से ना इसको जो है यहाँ से कंट्रोल 1 करेंगे तो ज़रा बॉर्डर का यहाँ मसला आ गया इस तरह से, चले ये आ गया हमारे पास, हम इसको इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर अब आपने इसको कैलकुलेट करना है इसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हम यहाँ पर भी लाइन लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इसकी लाइन लगा देंगे। यहाँ ये जो लाइन है ये गलती से यहाँ पे लग गई है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि इसका जो फॉर्मेट है
ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे नज़र आता रहे। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम पहले रेडियोज़ को चेक कर लेते हैं। अब जो रेडियोज़ की ये आपके पास उसकी एक्सपेंसेस हैं और ये आपके पास इनकम है, अगर आप इनको कैलकुलेट करके कंपेयर करेंगे तो जो रेडियोज़ की इन जो टोटल इनकम हमारे पास है ये ज़्यादा है। हम इसको लिखा करते हैं दोनों साइडों पे, इसको हम यहाँ पर भी लिखेंगे और 324 को यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है सबको निकालना आता है। आप इस तरह करेंगे कि यहाँ जाके आप टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे ये सारे एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेटर से, यहाँ मिल जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं, अगर इसने आंसर दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया ठीक ही होगा। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं जनाब, यहाँ पे जो हमारे पास इसकी इनकम है ये यहाँ पे हम इसका सम कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे फार्मूला। ये 170,000 है, ये ज़्यादा है। यहाँ आप देख लें 115 और 21, ये 136 बन रहा है, वो ज़्यादा है। तो 170 आ जाएगा हमारे पास दोनों साइडों पे इस तरह से। अब प्रॉफिट निकालना है आपने, हम फार्मूला यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसका प्रॉफिट आ गया हमारे पास 34,000। अब बारी है टोटल की, यहाँ से हम करेंगे इनकम टोटल। आपकी जो टोटल इनकम है ये ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है। 494,000 यहाँ आ गया हमारे पास, 494,000। यहाँ पे आप निकालेंगे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। भाई कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम में से आपने टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपको इसकी जो है वो जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब सबको पता है जनाब कि हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला प्रॉफिट, यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे अपना वॉचेस का प्रॉफिट और यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे ये टोटल, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। सैलरी है, पब्लिसिटी है, यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, सैलरीज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद पब्लिसिटी एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ पे हैं, स्पेलिंग ज़रा यहाँ से मुझसे गलत हो गई, चलें। इसके बाद हमारे पास रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसके बाद हमारे पास है कमीशन, इसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो है हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखें, सैलरी, पब्लिसिटी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन, मिसलिनियस, इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम इनकम में जाकर रिकॉर्ड करेंगे, ये हम जाकर रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब इनकी अमाउंट चेक कर लेते हैं। सैलरी हमारे पास है 12,600 रुपया, टोटल में यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,600 रुपया। उसके बाद 8,900 हमारे पास ये पब्लिसिटी है, उसके बाद 3,200 हमारे पास ये रेंट रेट्स हैं, कमीशन की अमाउंट आ गई हमारे पास 10,600 और मिसलिनियस यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास है 5,000, यहाँ पे लिख दिया हमने 5,000। जहाँ तक बात इंटरेस्ट की है, ये हमारे पास है 400, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने भी एक अकाउंट छोड़ दिया है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, ये अमाउंट यहाँ मैं अभी नोट नहीं करता, अभी आपको आइडिया हो जाएगा ऐसे मैंने क्यों किया। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट, इंटरेस्ट यहाँ कर दिया डिलीट यहाँ पे। अब यहाँ हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी ना, इस तरह से कि जो हमारे पास है ये जो हमारे पास बैड डेट्स की प्रोविजन है इस पर एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, इसमें ये मैंने इसे कर दिया अंडरलाइन, सॉरी इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले बैड डेट्स, बैड डेट्स के बाद एडिशनल बैड डेट्स, इसके बाद न्यू प्रोविजन। इन आप तीनों को जमा कर देते हैं, जैसे यहाँ की अमाउंट है, यहाँ की अमाउंट है, यहाँ की अमाउंट है, तो यहाँ पे आप इसको जब ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक टोटल आ जाता है।
इसके बाद यहाँ से आप लेस कर देते हैं, लेस न्यू प्रोविजन जितनी भी आएगी यहाँ से लेस कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका आंसर आ जाता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है, चलिए अब डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर से। हमारे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आगे ज़ीरो हमारे पास। जो न्यू बैड डेट्स हैं, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये एन अमाउंट ₹1200 आउट ऑफ सन्डी डेटर्स हैज़ टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। नंबर टू में 1200 हमारे पास हैं एडिशनल बैड डेट्स। इसके बाद बारी आएगी न्यू प्रोविजन की, वो हमने चार्ज करनी है 10%। इसी के हम आगे यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं 10%। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डेटर की अमाउंट है, ये फॉर्मूला वैसे आपको याद होना चाहिए, 16,800 यहाँ हमारे पास डेटर्स हैं 16,800। हम यहाँ से माइनस किया करते हैं एडिशनल बैड डेट्स। अच्छा, इसकी यहाँ मैं ब्रैकेट जो है यहाँ पे मैं इस तरह से, ठीक है, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 10% के साथ। ये हमारा फॉर्मूला है। जब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे लगा के। तो यहाँ से मैं इसको देखता हूँ इसका आंसर कितना आता है, ये 1560 यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इन तीनों को सम करेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 2760। यहाँ मेरा एक लाइन लगा लूँ यहाँ पे ताकि इस तरह से हो जाए। जो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए हमारे पास ये सेकंड लास्ट आइटम ₹800, हम यहाँ पे लिखेंगे ₹800। यहाँ पे आप इस टोटल में से माइनस किया करते हैं न्यू प्रोविजन को, ये का आंसर आ जाता है। हम इस आंसर को लिखा करते हैं डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1960। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये आ गया मेरे पास 1960, यहाँ मैंने इसको लिख दिया, एक यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक हो गया। इसके बाद आगे हमारे पास है जी पब्लिसिटी में हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। ये मेरे पास हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर देखेंगे आप ये 8900। हम इसमें ऐड करेंगे एट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर देखें ज़रा, नंबर टू थ्री एडजस्टमेंट में 1300, यहाँ मैं ऐड करूँगा 1300। यहाँ मिलेंगे आपको टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्प्ले इसका बेहतर कर दूँ। हम यहाँ पे इनको सम कर देते हैं इस तरह से, ये आगे 10,200। ये मेरे पास हैं नंबर सेकंड पे पब्लिसिटी 10,200। इस तरह से आपने वर्किंग में इनका टोटल निकाल के यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, पब्लिसिटी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसके आगे सैलरी हमारे पास है जनाब। हम यहाँ पे लिखते हैं सैलरीज। सैलरी की जो अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर है वो है 12,600 रुपया। हम यहाँ पे लिखते हैं 12,600 और यहीं से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो मेरे क्वेश्चन के अंदर है वो देखें यहाँ पे, ये भी 1200। हम यहाँ पे लिखेंगे 1200 और यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इनका जो टोटल है ये बनेगा 13,800। इसको मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया ताकि ज़रा उससे अलग आपको लगे, 13,800। सैलरी आ गई मेरे पास 13,800। इसके बाद मेरे पास आगे है कमीशन 1700। यहाँ जाके मैं लिखता हूँ कमीशन, CMISSION, ठीक है।
कमीशन जो मेरे पास है जनाब, सॉरी कमीशन जो मेरे पास है उसकी अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर देखें ज़रा कितनी है, 1700 है, सॉरी ऊपर ये 10,600 यहाँ लिख दिया मैंने 10,600। और एक मिनट मैं यहाँ से एक ही फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास है आउटस्टैंडिंग 1700, ये टोटल आ गया मेरे पास 12,300 रुपया, ये मेरी कमीशन है 12,300 रुपया। इसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट मेरे पास है, 10% डेप्रिसिएशन है हम चार्ज करते हैं बाद में, यानी रेंट एंड रेट्स इसी तरह से आ जाएंगे हमारे पास, वो हैं जी 3200, हम यहाँ पे लिख देंगे 3200। एक रह गया मिसलिनियस, उसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये है 5000, यहाँ लिख दिया हमने ये वाला 5000। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, इसकी अमाउंट मेरे पास है 10%। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन। इसकी अमाउंट कैसे आएगी, इसका फार्मूला है फिर हमारा फर्नीचर कितने का है, 12,400 रुपया, 12,400 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 10% के साथ। अगर इसको सॉरी इसको ज़रा मैं फार्मूला ज़रा डिस्प्ले कर दूं, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आपका आंसर आएगा 1240, ये 1240 आपने यहाँ पे एलोकेट करना है, यहाँ लिख दिया मैंने 1240। अच्छा इसके अलावा हमारे पास और कोई भी एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। इस तरह से सबसे पहले आपने टोटल वाले कॉलम में सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना है। इंटरेस्ट इनकम में भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये 400 यहाँ वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर इसमें भी कोई आउटस्टैंडिंग होता तो हम यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते, तो सारी वर्किंग आपने इसकी यहाँ पे अलग कर देनी है। अच्छा यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, अब आपने करनी है इनकी एलोकेशन। अब ये एलोकेशन कैसे होगी, यहाँ पे उसने भी बताया जनाब आपको कि ये 2:1 की रेशो है, 2:1 की यहाँ पे रेशो। यहाँ मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट हो जाए, ज़रा काम करना हमारे लिए आसान हो जाए। ये मैंने कर दिया इसको सेपरेट, हम यहाँ भी एक्सपेंस की एलोकेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, हमारे पास जितनी भी आइटम सारी जितने भी एक्सपेंस और इनकम की आइटम्स हैं इन्हें हम रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं, इनको यहाँ पे आपने एलोकेट करना है। सबसे पहले हमारे पास सैलरीज हैं, हाँ अच्छा सैलरी से पहले हम यहाँ पे रेशो चेक कर लेते हैं, रेशो हमारी क्या है जनाब। रेशो देखें यहाँ पे कि हमारे पास एक आइटम है रेडियोस, दूसरी हमारी जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वॉचेस। रेडियोस का की जो रेशो वो 2 है, वॉचेस की 1 है। अगर यहाँ पे आप सम करेंगे रेशोस का सम करेंगे तो वो आएगा 3, ठीक है, ये आ गया 3। अगर यहाँ पे रेशो बनाना चाहें आप तो ये जो रेडियोस है इसकी रेशो आएगी 2/3, सॉरी इसका जो फॉर्मेट है इसको ज़रा मैं यहाँ पे कर दूँ जनरल, ठीक है, तो ये आ गया 2/3 हमारे पास। इसकी रेशो आ गई हमारे पास 1/3। रेशोज आपको बनानी आती है। अब जो सारे आपके रेवेन्यू आइटम्स होंगी जितने भी आपके एक्सपेंस हैं या इनकम, आपने 2/3 और 1/3 की रेशो से एलोकेट करनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ना वो सैलरीज की बात कर लेते हैं। सैलरीज यहाँ इसको मैंने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी पहले यहाँ बारी आ गई रेडियोस की, यहाँ लिख दिया मैंने वॉचेस। अच्छा रेडियोस के पैसे यहाँ कैसे रिकॉर्ड करने हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा जनाब, के सैलरी हमारी टोटल है 13,800 मल्टीप्लाई बाय रेडियो की रेशियो 2/3। इसको यहाँ पे आपने सॉल्व करना है। यहाँ मैं वैसे फंक्शन यूज़ करके सॉल्व से कर देता हूँ 13,800
मल्टीप्लाई बाय 2/3 आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा इसका फार्मूला है वो आएगा 13,800 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ पे इस इक्वल टू 13,800 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आ गया 4,600। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर आएगा 9,200, इसका आंसर आएगा मेरे पास 4,600। इस तरह से आपने इनकी एलोकेशन करनी है। तो सैलरी के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिसिटी, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, इसको मैं बोल्ड और यहाँ पे करता हूँ अंडरलाइन। अब यहाँ पे आएंगे रेडियो एंड वॉचेस, इसको मैं यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया बस टाइम बचाने के लिए। तो अब देखें रेडियोज़ के लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे है 10,200 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेटर से जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं वो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ये आ गया 6,800। इसके बाद यहाँ जो हमारे पास फार्मूला है ये इसका आएगा 1/3, तो यहाँ से मैं मेरा फार्मूला एपोस्ट्रोफी से पीछे पीछे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाके मैं करूँगा इसको पेस्ट। तो देखें इसका आ गया 3,400, इधर आ गया मेरे पास 6,800, यहाँ आ गया मेरे पास 3,400। इस तरह से पब्लिसिटी के बाद किसकी बारी है, ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसको मैंने बोल्ड और कर दिया अंडरलाइन। फॉर्मेट यहाँ से मैं वही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका जनाब, 3,200 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जनाब हमारे लिए, 3,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इस तरह से। इसका यहाँ मैं आंसर निकालता हूँ, इसका आंसर यहाँ आप तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट किया, सॉरी यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पर पेस्ट हो गया, पेस्ट इसका आंसर आ गया, ये 2133 आ रहा है 0.33। हम इसको 2133 कर देते हैं राउंड करने के लिए। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी से यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसको भी मैं 1067 राउंड करके कर देता हूँ, ठीक है। इधर आ गया मेरे पास 2133 और इधर आ गया मेरे पास 1067। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि फार्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो यहीं पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें जो कमीशन है इज़ इक्वल टू, ये वाली मेरी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये कमीशन आ गई, तो इज़ इक्वल टू ये मेरी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 1/3। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, फार्मूले सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा इसको मैं 3333 कर देता हूँ, 1667 कर लेता हूँ राउंड करके, ये 1307 आ जाता है, यहाँ पे 653 आ जाता है, इधर 827, इधर 827, इधर 413, ठीक है। तो अब बारी है इसकी मेरे पास कमीशन की, इज़ इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये 267 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और इधर हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1/3 के साथ, तो यहाँ आ गया 133 हमारे पास। तो इस तरह से आपने इसकी है वर्किंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे इसे करते हैं कैलकुलेट इसका प्रॉफिट या लॉस। तो उसका आसान तरीका है हमारे पास, देखें हम पहले रेडियोज़ की बात कर लेते हैं, रेडियोज़ की इनकम ज़्यादा है हमारे पास, हम यहाँ पहले इनकम को सम अप कर देते हैं, ये इसकी इनकम हमारे पास आ गई, ये ज़्यादा है 54,267 यहाँ पर भी आ गया। यह हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, ये आ गया नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे सी आना था। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जनाब, आप इस टोटल इनकम में से ऊपर के जो सारे आपके एक्सपेंस हैं वो आप माइनस कर देते हैं। यहाँ मैं चूँकि यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल का फंक्शन, आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। 22467 चेक करते हैं, 22467 ये ठीक हो गया। अब हम बारी आ गई है हमारे पास वॉचेस की। हम यहाँ पे इसको पहले इसकी इनकम सम करेंगे, इनकम इसकी ज़्यादा है आप इसको चेक कर लीजिएगा, 34133। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे आपने बाकी प्रॉफिट निकाला था वैसे निकाल लेंगे, चेक कर लें ये भी ठीक हो गया। 18233, मेरे पास 333 आ गया है। यहाँ ऊपर कहीं मिस्टेक है हमारे पास, इनको चेक करते हैं दोनों को मिलाकर कितना है, 1240। इनको ये कितना है, ये 400 आ गया मेरे पास, कहीं कोई मिस्टेक ज़रूर है। 10200 है, ये 3200 है, ये 12300 है, ये 5000 है, 1960 है, 1240 है, 13800 है, यहाँ पे सारा ठीक आ रहा है। 12467 है इसको, सॉरी सॉरी 34133 है ना, यहाँ पे आना था 34133, ये बोलती थी यहाँ पे हमारे पास। तो ज़रा ध्यान से काम करना है आप लोगों ने, हमारी इनकम ज़्यादा है वो आएंगी दोनों साइडों पे, 88400 यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। प्रॉफिट जैसे आप पहले निकालते थे यहाँ पर वैसे निकालेंगे, 40700 ये हमारे पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। तो ये इसकी वर्किंग है, वर्किंग इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। हमेशा जो वर्किंग है ये आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ करनी है, पहले वर्किंग कर लें फिर करें सोल्यूशन, या पहले सोल्यूशन कर लें फिर करें वर्किंग, बट बहरहाल ये आपने साइड बाय साइड करनी है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा।